प्रधानमंत्री जी ने जो आज यूसीसी के ऊपर बोला है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि कॉमन सिविल कोड संविधान की आत्मा है, जब तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा तब तक भारत वास्तविक रूप में सेकुलर हम इसको देश नहीं कह सकते। कॉमन सिविल कोड की सबसे ज्यादा जरूरत इनफैक्ट हमारी मुस्लिम बेटियों को है। क्यों आपको बता रहा हूं, कॉमन सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज सबकी समान हो जाएगी। आज के डेट में हिंदू जैन बौद्ध सिख की शादी की उम्र जो है 18 साल लड़की की है और लड़के की 21 साल है, लेकिन शरीयत एक्ट के कारण मुस्लिम बेटियों की जो निकाह की उम्र है वो 9 साल है या पीरियड आ जाए। तो ऐसे में जब कॉमन सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र सबकी समान हो जाएगी, जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा, उसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, यानी अगर बचपन के आधार पर तलाक होगा तो वो सबके लिए होगा, नपुंसकता के आधार पर तलाक होगा सबके लिए होगा, कोड होने पे तलाक होगा तो सबके लिए होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, इसका फायदा सबसे ज्यादा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, यानी सबका अगर तलाक कोर्ट के जरिए होगा, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को ही मिलेगा, क्योंकि हिंदू जैन बौद्ध सिख में जो डिवोर्स होता है वो कोर्ट के जरिए ही होता है। लेकिन ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद आज भी तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया ये चल रहा है। एक तरफा ये भी होता है, ईमेल के जरिए हो रहा है, व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, टेलीग्राम के जरिए हो रहा है, कुरियर के जरिए हो रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से हो रहा है। तो जब कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो जितने भी तरीके के एक तरफा तलाक हैं, जितने भी तलाक हैं जो कोर्ट के बाहर चल रहे हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तो बाकी हिंदू जैन बौद्ध सिख में गुजारा भत्ता मिलता है तो इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में बेटियों को गोद लेने का अधिकार है, केवल मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, तो इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटी को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, विरासत का अधिकार और वसीयत का अधिकार सबके लिए एक समान हो जाएगा, इसका भी जो सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए लागू हो जाएगा, तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में एक पति एक पत्नी का नियम पहले से ही है, जहां जो सफरर हैं, जो पीड़ित हैं, वो हमारी मुस्लिम बेटियां, जहां पे दो शादी, तीन शादी, चार शादी हो जा रही है, तो एक पति एक पत्नी का नियम होगा तो उसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा, हम दो हमारे दो सबके दो लागू होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी उसमें आ जाएगा, तो इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को सबसे ज्यादा होगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको एक समान मिल जाएगा। अभी हिंदू बेटियों को माता पिता की देखभाल का अधिकार है, माता पिता के भरण पोषण का अधिकार है, मुस्लिम बेटियों को अपने माता पिता के देखभाल का अधिकार नहीं मिला हुआ है। मान लीजिए किसी के दो बेटियां हैं, वो बेटी चाह के भी अपने माता पिता का देखभाल नहीं कर सकती है, तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो माता पिता की देखभाल का भी सबको अधिकार मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन सिविल कोड संविधान की आत्मा है। कॉमन सिविल कोड महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। इसलिए जो लोग कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, इनफैक्ट वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, जो लोग संविधान सभा में थे उनकी सोच का विरोध कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये वो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देना चाहते, इसका मतलब कॉमन सिविल कोड का विरोध करने वाले सीधे सीधे महिला विरोधी हैं। देखिए, मैंने तो सजेस्ट किया है कि आप इसको यूसीसी की बजाय इसको आप आईसीसी बनाइए, इंडियन सिविल कोड बनाइए, क्योंकि यूसीसी पे बड़ा डिस्प्यूट हो गया, यूसीसी नाम पे या कॉमन सिविल कोड नाम पे बड़ा डिस्प्यूट हो गया है, तो बेटर ये होगा कि भारत में इंडियन पिनल कोड पहले से है, इंडियन टैक्स कोड पहले से है, इंडियन एजुकेशन कोड पहले से है, उसी पैटर्न पे आप इसका नाम इंडियन सिविल कोड रख दीजिए। इंडियन सिविल कोड में 10 चैप्टर दीजिए, चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 4 रख दीजिए मेंटेनेंस गुजारा भत्ता, चैप्टर 5 रख दीजिए सक्सेशन इनहेरिटेंस, इस तरीके से 10 चैप्टर बना दीजिए, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। जो लोग वही विरोध करेंगे जो चाहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा न मिले, जो चाहते हैं महिलाएं घर में कैद रहें, जो चाहते हैं महिलाओं का संपूर्ण विकास न हो, वही लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी सब लोग इसका सम्मान करेंगे और सब लोग इसको खुद ही खुशी खुशी इसको अपनाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो इसको मुस्लिम बेटियां इसको सबसे ज़्यादा मुझे लगता है वेलकम वही करने वाली हैं इसका। जिस दिन ड्राफ्ट पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, ये बहुत बहुत सारे लोगों का चेहरा बेनकाब कर देगा, बहुत सारे लोग जो संविधान की बात करते हैं उनका वास्तव में पाखंड सामने आ जाएगा, बहुत सारे लोग जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला समानता की बात करते हैं, उनका पाखंड भी सामने आएगा। इसमें कोई चैलेंज नहीं है, 100% पास होगा। जो थोड़ा सा भी भारत के लोकतंत्र में विश्वास करता है, नारी तू नारायणी में विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, भारत की संस्कृति में विश्वास करता है, वो इसका समर्थन करेगा।
बाकी जिसको विदेशों से फंडिंग हो रही हो या कुछ और काम हो, कोई और एजेंडा हो, वो लोग इसका विरोध करेंगे। ला कमीशन ने पब्लिक ओपिनियन लेना शुरू कर दिया। मैं खुद भी ला कमीशन से मिल के आया हूँ, ला कमीशन के चेयरमैन से मैं अपना ड्राफ्ट भी दे के आया हूँ। 14 जुलाई तक ला कमीशन सबसे ओपिनियन ले रहा है। ओपिनियन लेने के बाद ला कमीशन को भी मुझे लगता है 15-20 दिन चाहिए होगा सब सारे ड्राफ्ट को। हालांकि ला कमीशन पैरेलल में पूरा उन्होंने टीम बना दिया है और जितने भी सजेशन आ रहे हैं वो डे टू डे पढ़ते चले जा रहे हैं, उसको कंपाइल करते चले जा रहे हैं, उसको स्क्रूटनाइज भी कर रहे हैं। फिर भी 14 जुलाई के बाद उनको 15 दिन के आसपास उनको और टाइम चाहिए होगा। तो मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट तक, 31 जुलाई तक ला कमीशन अपना ड्राफ्ट दे देगा, ला मिनिस्ट्री को दे देगा। ला मिनिस्ट्री भी इसको 15 दिन वेटेज करेगी। हमें पूरा भरोसा है कि जो संसद का आगामी सत्र है इसमें ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इस पर डिबेट होगी। अगर किसी को लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और भी सुझाव है, उनके सुझावों को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा, या हो सकता है इसको कुछ दिन के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाए 3 महीने 6 महीने के लिए, फिर ये दोबारा दिसंबर में पास हो। लेकिन हमें तो ऐसे लगता है कि जब ये इसमें विरोध करने के लिए कुछ बचा नहीं है तो ये फर्स्ट वन गो में ही पास हो जाएगा।